नमस्कार, मैं संतोषी सिंह गवर्नमेंट आईटीआई दमोह से। आज हम एक आईटीआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है फाइल, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि फाइल क्या काम करता है, किस काम में आती है, वर्कशॉप में किस मटेरियल की बनी होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फाइल है, हिंदी में इसको रेती बोलते हैं। तो ये जो है वो एक हाई कार्बन स्टील की बनी हुई टूल है, जिसका प्रयोग मटेरियल के ऊपर से अनवांटेड मटेरियल हटाने, फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसके कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ये जो पार्ट्स ये दिया हुआ ऊपर जिस पे कुछ टीथ कटे हुए हैं, ये कहलाता है फेस, ये कहलाता है इसका फेस। इससे जबकि फेस से जॉब के ऊपर समतल सतह पर अनवांटेड मटेरियल हटाने के लिए, ज़्यादा बड़े जॉब के ऊपर से अनवांटेड मटेरियल हटाने के लिए फाइल के फेस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एज। साइड में कभी कभी किसी किसी फाइल के ऊपर यहाँ ऐसे सिंगल कट टीथ कटे होते हैं, और किसी किसी फाइल में ये सेफेज होता है, दांते नहीं होते। तो इसकी भी कंडीशन होती है कि यहाँ पर यदि ये टीथ कटे हुए हैं तो उसका यूज़ क्या है, और यदि इसकी एज एक एज पर टीथ नहीं कटे हैं तो इसका यूज़ क्या है। देन आते हैं हम इसके पॉइंट पर। यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल इसका ये शेप दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है इसका पॉइंट या टिप। इसका प्रयोग कहाँ है, इसका प्रयोग एक तो इससे समझ में आता है कि इस फाइल का शेप क्या है, दूसरा इसका यूज़ होता है कि जो हमारा जॉब होता है, जॉब के ऊपर जो हार्ड स्केल्प होती है, सबसे पहले जब हम जॉब बनाने के लिए माइल्ड स्टील का टुकड़ा लेते हैं तो देखा होगा आपने कि वो बहुत हार्ड और काला काला उस पर रस्टेड होता है वो, तो उस रस्ट को हटाने के लिए जिसको हम हार्ड स्केल्प कहते हैं, इस पॉइंट का यूज़ किया जाता है। देन ये आता है इसका, यहाँ पर जहाँ तक इसके ये टीथ कटे हैं ये होती है फाइल की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये फाइल की लेंथ होती है। ये जो खाली पोर्शन है ये कहलाता है हील। हील के आगे ये जो घुमावदार पोर्शन है ये वाला पोर्शन कहलाता है शोल्डर। शोल्डर के आगे इस हैंडल के अंदर एक जो फाइल का शेप होगा, जो फिर इसके अंदर होगा हैंडल के अंदर जो पुश रहता है फाइल का पार्ट, इसको कहते हैं टैंग। हैंडल के अंदर टैंग पुश होता है फाइल का। अब ये जो हैंडल है, इस हैंडल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लकड़ी का हैंडल होगा, लेकिन लकड़ी के हैंडल के साथ साथ यहाँ पर एक मेटल का एक रिंग टाइप का लगा होगा, जिसको कहते हैं फेरोल। और ये फेरोल क्या करता है, ये फेरोल इस लकड़ी के हैंडल को फटने से बचाता है।